नमस्कार यूट्यूब रो दृष्टि अधिगंत चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तुमान को भीतर जिते जन भी वीडियो देखु केते जन कही कि मैडम सही गोटे सीन रे आपण माने बसुचंती आ वीडियो करुचंती आ टिके सीन चेंज करंतु संभव हो नथिला तथापि आज भाबली कि टिके चेंज करी दिए। एटा आम बारिपटे मुझे बसची आ पछपटे जो अच्छी सेटा वाटरफलटा यदि चलेदेवि बोध हुए मोर साउंड मान पाठपढ़ा तुमको शुभव ना से चल ना आईटी अच्छी भी देखी पार पानी अच्छी आउ कई गछ सब हो मोर ठीक पछपटे से बसचे आज बारिपटे संध्या समय 5:30 प्राय भाविली क्लास टे करी दी अनेक दिन हलाणी करी नहीं टिके भल लगुच से आज करदे आमान को भी सीन टा भल लगुत बोली भावुची। तबे आमे मथुरा मंगल काव्यर प्राय शेष पर्याय पहुँची सारी जेतेबले अक्रूर नेबापाई आसिचंती रामकृष्ण को धनुजात्रा उत्सव देखिबापाई कंसर आदेश रे कंस पठेची अक्रूर से आसिचंती रामकृष्ण को नेबापाई से समय रे एई कथा जेतेबले गोपी मानक कानरे पड़ी से मानकर उत्कंठा किभली बढ़ी जाइची माने कृष्णंकर विहुन तांको जीवन किभली हेबो तांकर वृद्ध पितामातांकर अवस्था किभली हेबो किभली समस्त दुख सागर रे बुड़ी जिबे धनु उत्सव दर्शन निमित्त कृष्णंकर मथुरा गमन वार्ता श्रवण रे गोपी मनरे आतंक खेली जाइची कारण कंस सबुबले जदियो श्रीकृष्णंकर मामु तथापि से तांकर परम शत्रु कहीं कंस जाणि सारी देवकींकर अष्टम गर्भरे तार मृत्यु रहस्य रही अष्टम गर्भरे जो संतान जात हेबो से ही तार मृत्युर कारण हेबो से माने से माने बोध हुए दूत मानक ठारु किंबा अन्य कोनोसी येरु माने अन्य कोनोसी वार्ता पाई से जाणि सारी गोपपुर रे तार मृत्यु टी बढ़ुची आ गोपपुर समस्त शिशु को तेणु से विनाश करिवार प्रयास करिछि अनेक थर प्रयास करिछि आउ तार संदेह बेसिकरी श्रीकृष्ण रही कारण श्रीकृष्ण एभली अलौकिक कार्य सब मान सात दिन जितेबले होउतिला सही समय एभली अलौकिक कार्य सब करिछंती से पूरा मान स्थिर निश्चित हो जाइछि जे श्रीकृष्ण ही तार मृत्युर कारण आउ सेथिपाई श्रीकृष्णंकर विनाश पाई से अनेक उपाय पांचिछि किंतु सब उपाय करिकिरी से असफल होइछि सबुथिरे किंतु तथापि तार प्रयास से शेष पर्यंत त्याग करि पारि नाही आउ सेथिपाई ही तांकु मृत्यु लोक को पठेबा पई ही तांकु नेबा पई पठेइछि अक्रूर हाथ रे खंडिया चिट्ठी दे अक्रूर जेतेबेले अक्रूर किंतु माने निष्कपट प्राणी टिए जदियो से असुर कंसर मंत्री तथापि तांको मन मध्यरे छंद कपट किछि नाही से श्रीकृष्णंकर भक्ति रे पागल प्राय श्रीकृष्णंकर परम भक्त से आसिचंती श्रीकृष्ण एवं बलराम को नै जिबा पई कंसर आदेश रे आउ से भला भाबरे जानिचंती कंस जेते प्रयास कले मध्य श्रीकृष्णंकर कोनोसी अनिष्ट करि पारिबो नाही कारण श्रीकृष्ण होचंती स्वयं भगवान। एवे संध्या समय रे बारिपट मसा बहुत तथापि तुमानकर इच्छा पई मो बारिपट को आसी आउ सेठी भिडियोटा करूची तेबे आमे शेष पर्याय रे पहुंची सारिथिले जेतेबेले गोपी माने जाणी जाइछंती जे अक्रूर नेबा पई आसी श्रीकृष्ण बलराम को सेतेबेले तांको मन मध्यरे आतंक खेली जाइछि कृष्ण को से नेकिरि निश्चित भाबरे मारी देबो तांकर अति प्रिय तांकर स्वामी तांकर सखा सबु किछि से तांकर श्रीकृष्णंकर गोपी मानंकर सबु किछि होचंती श्रीकृष्ण तेणु से श्रीकृष्णंकर अनिष्ट भावना करी मध्य चिंता करी मध्य से माने भयरे सिहरी उठिचंती से ही गोपींकर आतंक एवं उत्कंठा एही चतुर्थ स्वर्गरे वर्णित होईचि संभार सज्जा कालरे गोपींकर नंदगृह को गमन ओ कृष्णंकर आयोजनर कारण जिज्ञासा कृष्णंकर मथुरा गमनर निश्चितता प्रतिपादन
तथा गोपी मानकर चिंता सागर रे मज्जन ए सब वार्ता सुनिकरी गोपी माने किभली चिंता सागर रे बुड़ी जाइछंती सेई विषय सब वर्णित हेछि। तबे आज सरी जीव तुमर मथुरा मंगल काव्य तापर आमे समय सुविधा देखिकरी मोर शारीरिक सुस्थता सुस्थ जेतेबेले टिके थिबि सेई समय रे आमे तुमर लॉन्ग क्वेश्चन गुडीकर आंसर मध्य डिस्कशन करबा आउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मध्य डिस्कशन करबा। तबे आरंभ करिबा आमे केते दूर पर्यंत पढ़ीथिले एहा सुणी एमंत होइले सखी बुढ़ीलाम भेड़ा गले कि आसिबे आउ जशोदाक बड़ा। एमंत होइले सखी बुढ़ीलाम भेड़ा जणे सखी कहुचि गोपी मान भितर जणे कहुचि जदि एमिति हुए श्रीकृष्ण यदि जानती आउ जदि न फेरंती ताहेले जदि एमिति हुए ताहेले मोर भेड़ा तो बुड़ब बुड़ब गले कि आसिबे आउ जशोदाक बड़ा सते कण जिबे आउ से पुणी फेरी आसिबे कि दुई चार दिन रहिकि फेरी आसिबे कि मते त ए कथा बड़ असंभव लागुची। धाता छाड़िला नियत थरे जदि हातरु छाड़िगला जो जिनस थरे जदि हातरु खसीगला ना ताहा पुणी हातकु आउ सहजरे फेरे नाही गोटे गोटे जिनस त मोटे फेरे नाही केमन्ते बंचिबे तांको वृद्ध तातमात। तेबे जदि श्रीकृष्ण न आसंती तांकर आमर अवस्था त छाड़ आमे त कष्ट जहाँ पाइबा पाइबा तांकर वृद्ध पिता पिता एवं माता मध्य सीमातीत भावरे कष्ट पाइबे। एते कहि ब्रजगोई नंद पुरे मिली देखिले अक्रूर नंद राम बनमाळी बसी करंती विचार। एमिति सबु वार्तालाप करुछंती गोपीगण सबु सखी माने एमिति कहि कहि विभिन्न भावनारे मज्जी रही सेमाने पहुंची जाइछंती नंदपुररे। आउ सेठी कण देखिछंती अक्रूर नंद राजा तापरे राम आउ राम माने बड़ राम तापरे बनमाळी बनमाळी कहिले श्रीकृष्ण अक्रूर नंदराजा बलराम श्रीकृष्ण समस्ते बसिकरी किछि विचार करुछंती किछि आलोचना करुछंती सजाडंती परिजने जीवार संभार निजर भृत्य मानकु डकाई जीवार संभार सजाडुछंती कण कण नेइकरी जीवा पई आदेश दैछंती नंदराजा सेही सबु संभार सजाडी दउछंती माने पेकिंग करुछंती। कृष्ण को अनाई गोपी भूलती वचन अक्रूर काहीकि गोपे करीछि गमन कृष्ण को अनेकरी गोपी कहुछंती जे अक्रूर कण पई ए गोप को आसीछि किंपा बाजई बाजणा अक्रूर आसीछि जे कण पई चारियाडे बाजणा बाजुछि वाद्य शुभुछि विभिन्न वाद्यनाद हेउछि गोरसरे काहा पई पुरीछि अगणा अगणाटी अर्थात बाहर बारंडाटी कण पई गोरसरे अर्थात क्षीरें पूरी जाइछि। बरज बोलती शुण बरज चतुरी बरज कहिले एठारे श्रीकृष्ण को बुझाजिब ब्रजपुर से स्वामी बरज बोलती शुण बरज चतुरी हे बरज चतुरी माने हे ब्रज सखी माने तुम्हें आने शुण जे अक्रूर को बरगिछि कंस दंडधारी अक्रूर को गोटे काम करिबा पई बरगिछि बरगिछि एठारे गोटे आंचलिक शब्द बरगिबा आमर आंचलिक संबलपुरी भाषा रे पश्चिम ओडिसार भाषा रे बरगिबा माने मु तते गोटे काम करिबा पई कहुछि माने तते गोटे काम मु बरगुछि अक्रूर को बरगिछि कंस दंडधारी राम संगे मते नेब अक्रूर को कण बरगिछि अर्थात कण आदेश दैछि कंस दंडधारी कंस राजा कण आदेश दैछि ना राम संगे मते मध्य मथुरापुर को नेइकरी जिबा पई आदेश दैछि अक्रूर को भलमंद कि होइबो जानै दैब किंतु सेठा गला परे भल हेबो ना मंद हेबो सबु किछि सुरुखुरु रे हेबो सेइ जेउ धनु उत्सव देखिबा पई नेबा पई पठैछि सेइ धनु उत्सव आमे सुखरे देखिबु ना आमर किछि सेठी अनिष्ट हेबो ताहा भगवान ही जानती दैव भाग्य विधाता ही जानती पिता माता आदि करी नेब मथुरा को काली जीवु रथे बसी राजा भेटिबा को। तबे केवल आमे दुई भाई जीवुनी किए जीव आम सांगे आम पिता माता मध्य जीवे समस्ते जीवु मथुरा को आउ काली रथरे बसी करी समस्ते जीवु राजा को भेटिबा को राजा को नंद राजा को भेटिबा को जीवु एवं सेठी पहुंची आमे धनु उत्सव देखिबु दिना दुई चारि रही लेउटी आसिबु दिना दुई चारि रही अर्थात मात्र दुई चारि दिन रहिकरी आमे
ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରାପୁରକୁ ସେ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ଗୋପରମଣି ରମଣ ବଚନ, ଏହି କଥା ଗୋପରମଣିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରମଣ କହିଲେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବୁଝାଯିବ, ଗୋପୀ ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେହି ଗୋପୀ ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ରମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ପଦିକ, ଯେ ଆମେ 2-4 ଦିନ ରହିକି ଲେଉଟି ଆସିବୁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିହୁନେ ମାନେ ଜଳ ବିନା ମୀନର ଅବସ୍ଥା ଯେଭଳି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ରହିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଠୁଛି, କାଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ରହିଯିବେ କି, ଯଦି ବି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ବି ସେଠି ରହିବେ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ବିହୁନେ କେମିତି ରହିବୁ, ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଚିନ୍ତା ରତ୍ନାକରେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ମନ ମୀନ, ତାଙ୍କର ମନରୂପକ ମୀନ ଚିନ୍ତାରୂପକ ରତ୍ନାକରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ, ରତ୍ନାକର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ଚିନ୍ତାରୂପକ ରତ୍ନାକରରେ ବୁଡ଼ି ଗଲା, ତାଙ୍କର ମନ ମୀନ ବୁଡ଼ି ଗଲା। କହେ ଭଗତ ଚରଣ, ଭଗତ ଚରଣ କହିଲେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ, ପଦ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କହେ ଭଗତ ଚରଣ, ଆ ଭକ୍ତ ଚରଣ କିଏ? ଭକ୍ତ ଚରଣ ହେଉଛନ୍ତି କବି, କାବ୍ୟର କବି। କହେ ଭଗତ ଚରଣ, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ଗୋପୀ କରନ୍ତି କାରୁଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ମନେ ପକେଇକିରି, ଗୁଣୀ କହିଲେ ମନେ ପକେଇକିରି ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଛୋଟବେଳରୁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କାମ, ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟାହି ଟାପରା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବଣୀ ଚୋରେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଆଉ ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁକୁ ଗୁଣୀ ଚିନ୍ତା କରି ଭାଳି ଭାଳି ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। କାରୁଣ କହିଲେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରୁଣ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସରିଲା ତୁମର କବିତାଟି, ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦଟି ସରିଗଲା, ତୁମର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣେଇବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଅବୁଝା ରହିଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ହଁ, ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଡେରି କରିଦେଉଛି, ଡେରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଖରାପ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର, କେଉଁଟା ଶୀଘ୍ର ଦେବି ବି କେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଡେରି ବି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକରି ଆମେ ଏହାର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍କୁ ବି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କାରଣ ମାନେ ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ତ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚେ ସଭା ଶେଷ ପାହାଚକୁ, ଛୋଟ ପାହାଚର ବି ମାନେ ସଭା ତଳ ପାହାଚର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଅ, ସଭା ତଳ ପାହାଚର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ତାରି ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଉପରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାନ୍ତ, ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍କୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦିଓ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ରହୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣେଇବ ଯାହା ସବୁ ଅବୁଝା ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ଆଉ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଲା ଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ରକି ପଛପଟେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବ ତୁମେମାନେ ଆମର ଘରର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ସେ ମୁଁ ବାରିପଟେ ଥିଲେ ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ମାନେ ସିନ୍ଟି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଲା ଜହ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁଟା ମୁଁ ଅଧା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ ମୋତେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ
अधिकरु अधिक देख तुमने देख देख तुम सांगसाथी मैंने देखिपारे सेयार करदे भिड को जदि चैनल नुआ थ लाइक टे करने मोटे भूल हाँ जदि भिड भल लगे लाइक टे करने मोटे भूल ना अधिकरु अधिक सेयार कर समस्ते जापर तापर चैनल जब नुआ थ सब्सक्राइब टे निहाती करदेव सब्सक्राइब कले मोर नुआ नुआ भिडियो गुड़िकर अपडेट तुमान पाखे शीघ्र पहुँची जा मु देखे दूची आमर जो वाटरफॉल आउ जहाँ किछ भी अच्छी टिके देखे दूची तुमान को जदि जो मानकर इच्छा हबो देखिबो देखो एटी पूरा संध्या हो गला भल भाव दिशु नी आ मोटर स्विच टा देली जमी अन् कली जो भाई जमती मान वाटरफॉलटा चलो बोली भाविकी बंद हो गला लाइनटा पलैला से तुम्हें देखी पारुना केमती लगुच रकी को देख रकी हैंडशेक कर हैंडशेक सुनो हैंडशेक सुना।